मुझे बताओ लवली जोड़ास कहाँ से? बस कहीं नहीं, माइंड एक होता है। अच्छा, हम लोग ने ज्यादातर डिजाइनर का नाम बोलो यार। नहीं, डिजाइनर हम लोग नहीं रखते। समटाइम डिजाइनर पे जाना, समटाइम डिजाइनर के पास जाना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो आपकी पर्सनालिटी होती है उस हिसाब से अगर आप कपड़े पहने तो ज्यादा अच्छा है। तो ये है कि आप उसको बनवाएं, आपका कोई डिजाइनर होना चाहिए, कोई भी हो, भले वो कोई छोटी सी गली के अंदर हो या फिर जो है वो कोई डिफेंस की जो है अच्छी सी स्ट्रीट पे हो। कपड़ा आप पे अच्छा लगना चाहिए, फिर आप अच्छे लगोगे। वैसे आप इसकी बात है, जब तुम इस तरह बोल रहे हो तो दर्जियों ने धोखा तो बड़ा दिया होगा। हाँ, इस वक्त तो वो भाई। और कभी कभी ये होता है कि यू नो आप अपने शलवार कमीज के लिए जाओ, कमीज बिल्कुल टेढ़ा चल रहा है। एक दफा हो गया था पिछली वाली ईद पे मेरे साथ हो गया था कि जो मेरा बड़ा भाई हुआ ना, तो बड़े भाई के जो कपड़े थे और जो मेरे कपड़े थे उसमें ये हुआ था कि जो मैंने व्हाइट दिया था उन्होंने ब्राउन, अब जो ब्राउन वाला था वो मेरे नाप का सिल गया, जो व्हाइट वाला था वो भाई के नाप का सिल गया। मेरे साथ बहुत होता रहता है, मेरी बहन का अलग हो जाता है, जो कपड़े मैंने चूज किया होता है वो मेरी बहन का सिल जाता है, और फिर वो और फिर उसका मुंह है ना इतना बड़ा हो जाता है पूरी ईद में। बोलती यार मेरी क्या गलती। खैर, ऑफ कोर्स यू गाइस वर्क विद लेजेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कोई एक ऐसा लेजेंड जिसका तुम बोलते हो दैट बहुत सीखा, या कोई एक ऐसा लेजेंड जिसने बहुत तंग किया? अच्छा, तंग तो नहीं किया किसी ने? एक होता है ना, नहीं बहुत दफा ये होता है सीनियर आर्टिस्ट आ जाते हैं, उनको लगता है बच्चों को तो सुननी चाहिए। जो सबसे स्वीट जो है ना काम करने में, और सेट पे वो है कभी खान साहब, उनके साथ बहुत मजा आता है काम करके, वो सिखाते ये बहुत है, उनका एटीट्यूड, उनकी हर चीज बहुत परफेक्ट है। अच्छा, मुझे शहजाद भाई के साथ काम करने वाला, शहजाद रजा, क्योंकि मेरा जब पहला ड्रामा आया था परफ्यूम चौक, तो उसके अंदर लाइक काजी वाजिद साहब, बद्र खलील, शहजाद रजा, बहरोज अंकल ने उसमें जो है वो एंट्री दी थी। अब मेरा जिंदगी का पहला ड्रामा है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं कौन है, और मेरे अब्बू परेशान के यार ये इनके साथ कैसे काम कर लेगा, लेकिन यू नो व्हाट, मैं आज भी याद करती है लाइनें मुझे बड़ी मुश्किल से याद होती है। मुझे याद है कि वो पहले से मुझे घर पर स्क्रिप्ट मेरे पास आ जाता, तो अब्बू मुझे मार मार के पढ़ाते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा सिखा रहे थे मुझे याद नहीं रहता था। आज उन्होंने इतना मारा है मुझे कि आज मुझे एक डायलॉग याद है जो मेरा जिंदगी का पहला ऑडिशन था, उसमें मुझे बोलना है कुछ यूँ था कि मेरा नाम काशिफ, अब्बू का नाम मिर्जा साहब, काम वाम कुछ नहीं करते, दो शादियाँ कर रखी है, मैं इधर की उधर उधर की इधर करता हूँ, लोग कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी मेरी वजह से छिड़ी, चीकू परफ्यूम चौक, ये पूरा डायलॉग था। और यू नो व्हाट, एक चार साल का बच्चा जब उसको वन टेक में जाके दे रहा है, तो डायरेक्टर यूँ कह रहा है दिशामुद्दीन साहब से, मैं उनको सलाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चलना सिखाया इस फील्ड में, तो जब मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जब बोलना, मैंने जब वन टेक दिया, उन्होंने कहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे कर सकते हो, ये कोई व्हाट यू कॉल, कुछ ब्लड लाइन में, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ब्लड में रिश्तेदार इतने बड़े अच्छे लेजेंड्स होते हैं, फैमिली से तो वो आता है, दोनों की फैमिली से है। मेरे बाबा डायरेक्टर हैं और मेरे जो मामू हैं वो भी डायरेक्टर हैं, जो आपकी फैमिली से भी हैं, तो इसीलिए वो खानदानी चलता हुआ आ रहा है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।